जी सर नमस्कार। सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा नाम राजकुमार है। मैं गुड़गांव से गया था नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के पास जो पंप है उस पर CNG नहीं देते हैं। कई लोग भगा देते हैं कि बड़ी गाड़ियों का पंप ही नहीं है। अगर ऐसे ही नियम है तो गाड़ी के CNG पंप पर लिख के टांगे कि यहाँ पे बड़ी गाड़ियों को CNG अलाउ नहीं है, ओनली टैक्सियों में भरते हैं और बड़ी गाड़ियों करते हैं तो पैसे का मांगते हैं, कहते 150 रुपये एक्स्ट्रा मांगने ही कहते हैं। सर ऐसा किया जाए या तो लिख के टांग दिए जाए, ठीक है जी, कि बड़ी गाड़ियों का अलाउ नहीं है, तो आगे से दोबारा वो गाड़ी लेके जाएगा ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि टैक्सियों भरते हैं। रात में बड़ी दादागिरी वाली बात होती है, मन मर्जी के काम है, लोग ढूंढ ढूंढ के CNG पंप पर पहुँचते हैं, उसके बाद CNG नहीं देते। ऐसा प्रशासन से अनुरोध है कि प्लीज़ सारे पंपों पर अलाउ करें कि 24 घंटा अगर खोल रहे हैं तो किसी भी गाड़ी को CNG दी जाए, लोग भगा देते हैं रात को। धन्यवाद जी। ये जिस भी CNG पंप पर जाओ तो लोग मना कर देते, ये नोएडा का है सेक्टर 51 नंबर मेट्रो स्टेशन कस्टमर स्टेशन पर आइए, ठीक है। सारी गाड़ियों भर रहे, बड़ी गाड़ियों मना करते, हमारे पास है टेंकर, सारी गाड़ियों में भरते हैं, ठीक है। अब इनके या तो CNG पंप पे इनको आदमी इतने दूर से पूछ पूछ के आता है, देखो उन गाड़ियों भर रहे हैं, इनका कोई सुनाई दुनाई नहीं, मन मर्जी का काम है। या तो बड़ी गाड़ियों में नहीं भरते तो ये लिख के दे इंद्रप्रस्थ, ये देखो इंद्रप्रस्थ CNG पंप सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के नीचे, ये कौन सा नियम है? हमारी गाड़ी में भरते नहीं है और सारी गाड़ियों में भर रहे, देखो, और बोल रहे 150 रुपये तो तुम दोगे, ये देख लो। ट्रांसपोर्ट टीवी पे भेजूंगा, इनको पता चले। वो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर? मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।